शांति। आज की तारीख है 24/4/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। जिनकी सभी भक्ति करते हैं भक्ति मार्ग में, अनेक अनेक जिनके मंदिर हैं, अनेक अनेक जिनके नाम हैं और भक्त भी जितने भक्त हैं उतनी उनकी पुकार है, उतने उनके दुख हैं और हरेक दुख में उसे याद करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु हमारे ऊपर रहम करो। तो बाबा के बच्चे भी कभी कभी शिव बाबा को कहते हैं कि हमारे ऊपर रहम करो। तो मीठे मीठे बेहद के बाप का बेहद का रहम क्या है, आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली से। तो मीठे मीठे शिव भगवान वाच ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी, माया के श्राप से बचे रहेंगे। अब बाबा हमें क्यों अपने पर रहम करना सिखलाते जबकि हम उनसे रहम की भीख मांगते हैं। तो बाबा हमें ये सिखला रहे हैं कि बाप से रहम मांगा नहीं जाता, बाप से हक लिए जाते हैं, अधिकार लिए जाते हैं। तो इसीलिए बाप हमें सिखलाते हैं कि जो दुख आया है वो तुम्हारा अपने ही कर्मों का फल है, तो कैसे तुम अपने ऊपर रहम कर अपने कर्मों को सुधार कर और फिर जो बाप मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी होगी और ये माया रावण के श्राप से बचे रहेंगे। आज का प्रश्न है, माया का श्राप क्यों लगता है, श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर है बाप और पढ़ाई का, यानी जो ज्ञान रत्न बाबा हमें ज्ञान मुरली के द्वारा देते हैं, उनका अनादर करने से या निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। दूसरा है आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं तो बुद्धि का ताला लग जाता है, तो वो फिर बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों को ये तो अब निश्चय है कि हमको आत्मा अभिमानी बनना है। किसने कहा? मीठे मीठे बाप दादा ने कहा। और मीठे मीठे बाप कहते हैं कि और बाप को याद करना है, माया रूपी रावण जो है वह श्रापित और दुखी बना देती है। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वो अच्छी रीति से जानते हैं कि जो ना फरमान बरदार हैं वो बच्चा है ही नहीं, भले अपने को कुछ भी समझे परंतु बाप की दिल पर वो चढ़ नहीं सकते। सभी ने नोट किया होगा, फरमान बरदार आज्ञाकारी बच्चे बाप की दिल पर चढ़ते हैं और जो ना फरमान बरदार हैं, अपनी मत पर चलते बाप की मत पर नहीं चलते, आज्ञा नहीं मानते, वह बच्चे बाप की दिल पर नहीं चढ़ सकते और फिर वर्षा भी वो पा नहीं सकते। बाबा कहते हैं जो माया के कहने पर चलते और बाप को भी याद नहीं करते और किसको वो समझा भी नहीं सकते, कोया अपने को आप ही श्रापित करते हैं। चौथी बात हो गई, बच्चे जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है, अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते तो गोया माया की ही मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना कि प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, बाप की नहीं मानेंगे तो क्या होगा, बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला फिर एक ही बाप है,
श्री मत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा। माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे, भले सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते, ना ही वो धारणा करा सकते, तो उनका क्या हाल होगा। बाबा कहते हैं कि बाप तो गरीब नवाज है, मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर के बेहद का दान करते हैं। देखो बाबा की महिमा भी हम सभी यदि नोट करें तो कितनी सारी महिमा बाबा हमें अपने स्वभाव संस्कारों की जो बताते हैं, वो है बाप की महिमा। बाबा कहते हैं अगर श्री मत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। बाप श्री मत देते, ताला खोलते, फिर बताओ क्या प्राप्ति करेंगे। श्री मत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है, समझते हैं कि बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश करते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं कि अपने पर रहम करो और श्री मत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। श्री मत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। सभी ने नोट किया, खुशी का पारा चढ़ाने के लिए श्री मत पर चलना है। जो श्री मत पर चलेगा उसे खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है, तो पुरुषार्थ कर ऐसा उच्च पद पाना चाहिए ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए। रत्नों से झोली भरनी है, सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते क्योंकि बाप को याद नहीं करते। हाँ बाबा कहते झोली क्यों नहीं भरती, क्योंकि सुनते समय एकाग्रता के साथ बाप मुरली सुना रहे हैं, ज्ञान रत्न दे रहे हैं, तो उसे स्वीकार नहीं करते, यानी अंदर में समाते नहीं। तो बाबा कहते हैं झोली नहीं भरते क्योंकि बाप को याद नहीं करते। आसुरी चलन चलते हैं, बाप बार बार समझाते हैं कि अपने ऊपर रहम करो, दैवी गुण धारण करो। आशा करती हूँ सबने नोट किया होगा आज का यह मुख्य बाबा की पढ़ाई का सार, कि हम अपने पर रहम करें और दैवी गुणों को धारण करें। वो हैं ही आसुरी संप्रदाय के, उनको बाप आकर के परिस्थानी बनाते हैं। परिस्थान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं, सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं कि मन को शांति मिलेगी। वास्तव में ये अक्षरी रोंग है, इनका कोई अर्थ नहीं। शांति तो आत्मा को चाहिए ना, शांति सिर्फ मन को नहीं चाहिए, शांति मन को, बुद्धि को और संस्कारों को। तो आत्मा मन बुद्धि संस्कारों के साथ है, तो इसीलिए शांति किसको चाहिए, आत्मा को चाहिए। आत्मा स्वयं ही शांत स्वरूप है। तो ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को शांति कैसे मिले, कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं। जो कुछ कहते और करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते कैसे बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। भले किसको बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य में ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं, नंबरवार तो है ना। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते तो प्रजा में भी जाकर के क्या बनेंगे। सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे, फिर समझा जाता है कि ड्रामा में इनका पार्ट इतना है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो।
आ सभी ने पॉइंट नोट की, ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगर पावन बन नहीं सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना भी कल्याण करना है। योग में न रहने से कुछ भी कल्याण होता नहीं। योग बिगर पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान अलग चीज है और योग अलग चीज है। योग में बहुत बच्चे कच्चे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बहुत कच्चे हैं। याद करने का अकल ही नहीं आता, तो याद बिगर विकर्म कैसे विनाश हो? फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, फिर बहुत पछताना भी पड़ता है। बस स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते हैं। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सजा खानी पड़े। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। बेअदब माना आज्ञा को न मानने वाले, अनादर करने वाले। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो और योग में रहो, नहीं तो मुफ्त में अपना घात करते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरता नहीं तो फिर हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, फिर चिल्लाता रहेगा, नाहक अपने को धक्का दिया, मैं मरा नहीं, बाकी क्या काम का रहा। यहाँ भी ऐसे है, चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कहते हैं कि गिर पड़ते हैं। आगे चल, हर एक अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी आदि जाकर के बनेंगे। फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं। बाप और धर्मराज दोनों ही, या ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, दोनों ही क्या बन जाते हैं? धर्मराज का रूप बन जाते हैं। परंतु बच्चे समझते नहीं है, भूल करते रहते हैं। सजा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना। जितना जो सर्विस करेंगे वो शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। बाप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना कल्याण तो करो। बांधेलियां भी अपना कल्याण करती रहती है। कैसे? अंदर ही अंदर बाप को याद करके अपना कल्याण करती रहती है। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं कि खबरदार रहो, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती। कहते हैं बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते हैं, तो बाप समझाते हैं कि कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना है। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक न हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना है। बाबा कहते हैं कि कोई भी गंदा आदमी जिसके लिए हमें पता चले कि इसकी ख्यालातें भी बड़ी गंदी हैं, स्कूल में कोई बदचलन है तो बहुत मार खाते हैं। हाँ, कोई बदचलन चाल चलते हैं तो क्या होगा? शिक्षक उनको जरूर शिक्षा देगा। टीचर सबके आगे फिर बतलाते हैं कि इसने ऐसे बदचलन की है, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते हैं कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। स्कूल में भी कोई बदचलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं, और फिर टीचर भी सबके आगे बतलाते हैं कि इसने ऐसी बदचलन की है, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते हैं कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते तो जरूर कुछ न कुछ गंदगी है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो समझना चाहिए कि माया का वार होता है, तो एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं कि खबरदार रहो,
कहां अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्व विवाह करके इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम बदनाम करते हैं, कोई फिर गंदे भी बन पड़ते हैं। यहाँ तुम आए हो अपनी सदगति करने, न कि बुरी गति करने। बुरे से बुरा काम है, यानी काम विकार है, फिर क्रोध है, आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु माया वार कर श्राप दे देती है तो फिर एकदम गिर पड़ते हैं, गोया अपने को श्राप दे देते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बड़ी संभाल रखनी है, कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। दिखाते भी है ना कि अमृत पीने आए फिर बाहर जाकर असुर बन गंदा काम किया या गंद किया, वह फिर ज्ञान सुना न सके, ताला बंद हो जाता है। बाप कहते हैं अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को सभी को चले जाना है घर। गीत भी है ना, हाँ गीत तो सुना है ना सभी ने, रात गिरा ही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं दूर नहीं, थक मत जाना ओ राही थक मत जाना, रात गिरा ही। अर्थात आत्मा को अपने घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा को रोज समझाया जाता है कि अब तुम शांति धाम जाने के राही हो, तो अब बाप को घर को और वर्षे को याद करते रहो। अपने को देखना है कि माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूँ, मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि ऊंच से ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, ये है बहुत ऊंच पुरुषार्थ। बाप कहते हैं बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो, देह अभिमान माना कुदृष्टि और देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि कहाँ जानी चाहिए, बाप के तरफ ही रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्षा बहुत ऊंचे है, विश्व की बादशाही कम बात है क्या? स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। हाँ कभी हम बच्चों ने सोचा कि हम बाबा के बनेंगे, बाबा हमको पढ़ाएंगे, फिर इस पढ़ाई से योग से हमको बाबा वर्षे में विश्व की बादशाही देंगे, सोचा था कभी? कभी नहीं सोचा था। तो पढ़कर उच्च पद पाएंगे तो बाप भी खुश होंगे, टीचर भी खुश होंगे और सतगुरु भी खुश होंगे। तो याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। हाँ पुचकार देना माना हमें इनकरेज करते रहेंगे प्यार से। बाप कहते हैं बच्चे ये खामियां निकाल दो, हाँ जो कमियां है ना वो निकाल दो, नहीं तो मुफ्त में नाम बदनाम करेंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, सौभाग्य खोलते हैं। भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, फिर 100% क्या बने, दुर्भाग्यशाली बने। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए फिर से पढ़ाया जाता है। बाबा कहते हैं कि बाबा ने तो समझाया है कि धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो कि अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं। झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो। भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है। तुम ये नॉलेज सुनते हो फिर अपने देश में जाकर के सबको बताओ कि बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो वो चाहना रखते हैं, हठ योगी सन्यासी तो उनों को योग सिखला न सके। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं
उनों को आना तो है ही, तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति से ये नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है। नहीं तो बाप को याद करना वो कैसे सीखे, बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई ना कोई तो निकलेंगे। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें देखने जाते हैं, यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे, ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे, यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी या तो मिशन बाहर जाएगी। तुम कहेंगे कि बाप को याद करो तो अपने धर्म में उच्च पद पाओगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हैं। नीचे उतरना माना ही तमो प्रधान बनना। पोप आदि ऐसे कह न सके कि बाप को याद करो, क्योंकि बाप को वो जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी सुंदर बनते रहते हैं। सुंदर चीज होगी तो म्यूजियम और ही सुंदर होगा, बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। तो शौक रहना चाहिए कि हम ऐसे समझाएं। सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। हाँ, अगर जास्ती मान चाहिए तो बाबा कहते हैं खूब सेवा करो, यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान, कि तुम पूज्य बनेंगे। ये ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी है। बाप तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो, बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजे इसमें कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। हाँ, ये चार्ट में नोट करें कि क्या हमको सारा दिन बाबा की और इस विश्व की कल्याण के लिए सेवा करने के ख्यालात चलते हैं। फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना है। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ, सबका सदगति दाता वह एक बाप है। अभी होलसेल मौत सामने खड़ा है, होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना, बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते हैं। 21 जन्म के लिए विश्व की राजा इलो, मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी। बाबा कहते हैं विराट रूप का चित्र और ये गीता का भगवान कौन, ये चित्र तो फर्स्ट क्लास है, इसमें बाप की पूरी महिमा है, बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया है। तो ये वर्षा गॉड फादर ने उसको दिया। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े हैं। ये फेर घेर अदली बदली किसने की जरा भी कोई नहीं जानते हैं। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वह भी आकर के बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती है, विलायत में भी जाना है। एक तरफ तुम बाप का परिचय देते हो, दूसरी तरफ माया के साथ मारा मारी चलती रहेगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होगा ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, जो हो गया वो फिर रिपीट हुआ, परंतु किसको समझाने का भी अकल चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा के द्वारा अभी हम याद प्यार सुनेंगे। तो मीठे मीठे बाप दादा याद प्यार देते हुए कहते हैं मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर एक है सदा
एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। आगे बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। नंबर दो है, सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। माना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब करना है, तो ऐसे भाग दौड़ करनी है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बद चलन नहीं चलनी है। वरदान है निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर वन भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। निश्चय बुद्धि तो कहेंगे बस जो बाबा ने कहा वो मुझे करना है। वो ये नहीं सोचेंगे कि ऐसे कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता, तो वो ऐसे कैसे के विस्तार में नहीं जाएंगे। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर भाग्यवन की रेखा। तो स्वयं को चेक करें। स्लोगन है आज का, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। ओम शांति।